भारतीय वायुसेना के घातक लड़ाकू विमान MiG-27 अब इतिहास बन जाएंगे। आज जोधपुर वायुसेना स्टेशन से 7 विमानों की अंतिम स्क्वाड्रन ने अपनी आखिरी उड़ान भरी। 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान विमानों ने दुश्मन को धूल चटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसे उड़ाने वाले पायलट इन्हें बहादुर कहकर पुकारते थे। आज इस स्क्वाड्रन के सभी विमान रिटायर हो जाएंगे, जिसके बाद उनमें से कोई भी देश में कहीं भी उड़ान नहीं भरेगा। भारतीय वायुसेना के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय के एक अधिकारी ने कहा कि MiG-27 विमानों की जोधपुर स्थित स्क्वाड्रन न सिर्फ दक्षिण पश्चिम वायु कमान बल्कि पूरे देश की MiG-27 की अंतिम स्क्वाड्रन है। स्क्वाड्रन की स्थापना 10 मार्च 1958 को वायुसेना स्टेशन हलवारा में ओरागन विमान से की गई थी। वायुसेना के एक अधिकारी ने कहा कि अभी ये ठीक ठीक नहीं पता कि सेवानिवृत्ति के बाद इन विमानों का क्या होगा, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद विमानों को यादगार चिन्हों के रूप में रखा जाता है। ये विमान बेस या डिपो में लौट जाते हैं या कई बार इन्हें अन्य देशों को भी दिया जा सकता है। जोधपुर में इन विमानों की ये अंतिम स्क्वाड्रन थे। इससे पहले MiG-27 की 2 स्क्वाड्रन पश्चिम बंगाल स्थित हाशिमारा वायु स्टेशन से रिटायर हुई थी। इस शानदार और घातक लड़ाकू विमान को विदाई देने के लिए जोधपुर वायु स्टेशन पर एक आयोजन में MiG-27 के सभी पायलट इकट्ठा हुए और इन विमानों को आखिरी बार उड़ाया गया। ये MiG-27 विमान जब जमीन पर उतरे तो इन विमानों को एक खास तरह की सलामी यानी वाटर सैल्यूट दी गई। वाटर सैल्यूट कुछ खास मौकों पर दी जाती है, जब कोई सीनियर पायलट या ट्रैफिक कंट्रोलर रिटायर हो रहा हो, जब कोई प्लेन बेड़े में शामिल होता है या रिटायर होता है तो उसे वाटर सैल्यूट देते हैं। वाटर सैल्यूट देने के लिए 2 फायर फाइटिंग यानी दमकल की गाड़ियों से आर्क शेप में विमान पर 2 मिनट तक पानी की बारिश की जाती है। ये विमान के उड़ान भरते वक्त या लैंडिंग के वक्त होता है। वाटर सैल्यूट विमान या पायलट के लिए सम्मान जाहिर करने का तरीका है। दुनिया के किसी और देश में इस समय MiG-27 विमान सेवा में नहीं है। इन विमानों को 80 के दशक में तत्कालीन सोवियत संघ से खरीदा गया था। हाल ही में देश भर में इन विमानों में तकनीकी खराबियों की कई खबरें आई थीं।